मेडिवल इंडिया में अब इस्लाम आया, इस्लाम आने के कारण हम कहेंगे कि आर्किटेक्चर में भी बदलाव आने लगे। आर्किटेक्चर जो पहले दिख रहा था उसमें बहुत सारे चेंजेस है। जैसे हम कहेंगे हिंदुइज्म वाले टेंपल्स आने के बाद सब चेंज हो गया। जैसे पहले आपने देखा स्तूप थे, स्तूप के साथ पिलर्स और ये सब आपने पढ़ा, केव्स आपने पढ़ी, बट अचानक से टेंपल दिखने लगे। वैसे ही जब इस्लाम आया तो और भी चेंजेस हमें देखने मिले। सो देख लेते हैं चेंजेस क्या क्या देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिएगा मेरे साथ। अब देखते हैं आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया। आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया की अगर हम बात करते हैं सो इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं या फिर इंडो सैरसनिक आर्किटेक्चर कहते हैं। अब इसको इंडो ये वर्ड लगा रहे हैं, इंडो वर्ड इसीलिए लगा रहे हैं कि क्योंकि ये जो रूलर्स आए थे इस्लामिक रूलर्स, ये बाहर से आने के बावजूद भी इन लोगों ने अपना जो भी आर्किटेक्चर या अपनी जो भी स्टाइल थी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, उसे इंडिया के स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके मिक्स करके उसे लाया। इसीलिए इसको इंडिया का और इस्लाम का जो भी इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसका मिक्सचर कहा जाता है, इसलिए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ये कहलाया, या फिर इसे इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। अब इन्होंने वैसे के वैसे पूरा नहीं लाया था, जो ये रूलर्स आए थे उन्होंने जो इंडिया में पहले से आर्किटेक्चर था उसी के चलते कुछ चेंजेस ला के अपना खुद का एक स्टाइल बनाया था, इसीलिए इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। अब एक एक कंसेप्ट अगर देखेंगे तो द यूज ऑफ आर्च एंड डोम्स, ये याद रखना है। कैसे? तो आर्क एंड डोम की अगर बात करें तो इसे आर्क्यूएट स्टाइल कहते हैं। पहले जो स्टाइल थी वो ट्रेबुएट स्टाइल थी। अब आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि आर्क्यूएट स्टाइल क्या होती है और ट्रेबुएट स्टाइल क्या होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे आपको दरवाजे इस तरह से दिखते हैं एंट्रेंस, उसे ट्रेबुएट स्टाइल कहते हैं। अब तक आप टेम्पल के आर्किटेक्चर में इस तरह के एंट्रेंस देख रहे थे, करेक्ट। अब आप देखोगे आर्क्यूएट में इस तरह के, ये जो होता है इसे आर्क्यूएट स्टाइल कहते हैं, ये जो होता है इसे ट्रेबुएट स्टाइल कहते हैं। आर्क और डोम्स बनाते थे, दीज आर आर्क्स। और डोम्स की बात करें तो जैसा ये स्ट्रक्चर, अगर कोई स्ट्रक्चर बना है ऐसा, सो इसके ऊपर पहले इस तरह से दिखता था आपको टेंपल में, अब ये रिप्लेस हो जाएगा और ये दिखे। अब ये पहले ट्रेबुएट स्टाइल में तो दरवाज़ा भी ऐसा होता था, अब ऐसा होगा और ऊपर इस तरह से डोम बनेगा, इसे कहते हैं स्टाइल को आर्क्यूएट स्टाइल। तो ये हो गए आर्चेस और ये हो गए डोम्स, ठीक है। सो ये पहला चेंज आया आर्किटेक्चर में। अब आपको चेंजेस जो देख रहे हैं वो दूसरा चेंज ये था कि यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर तो ऐसा बन गया जिसमें आर्चेस और डोम्स देखने मिले। आर्चेस और डोम्स के अलावा मैं ये कहूँगा कि इनके जो भी स्ट्रक्चर्स थे उसके स्ट्रक्चर्स के अराउंड ये पिलर्स बनाते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मली आप देखते हैं, इनको मीनार कहते हैं, पिलर्स को मीनार कहते हैं। अब ये भी आपको देखने मिलता है मीनार यहाँ पे। इवन आप हैदराबाद में जाइए चार मीनार देखिए, या फिर आप ताजमहल पे जाइए, ताजमहल के भी आजू बाजू में आपको मीनार देखने मिलती है। तो ये मीनार का यूज़ करते थे, उसके अलावा मॉर्टर का यूज़ करते थे। मॉर्टर क्या है? तो मॉर्टर एक सीमेंटिंग एजेंट है। अब दो चीज़ों को जब ये हम ये करते हैं ना, तो ज्वाइन करते हैं, तो इसके लिए सीमेंटिंग एजेंट करके मॉर्टर का यूज़ होता है। हमने देखा था हड़प्पा, हड़प्पा में कौन सा यूज़ होता था? यस बताइए जल्दी, जैसा वेरी गुड जिप्सम मॉर्टर है ना। तो ये चीज़ें अच्छे से याद रहनी चाहिए आपको, और बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सब याद है। सो ये मॉर्टर यूज करते थे। अब देखिए यहाँ पे इनके जो भी अब तक आप जो डिज़ाइंस देख रहे थे, या जो भी हम कहेंगे कि जो भी आप वॉल पे देख रहे थे पेंटिंग, उसमें आपको ह्यूमन फिगर्स दिखी है, बट अब ह्यूमन और एनिमल फिगर्स यूज़ नहीं होगी, बिकॉज इस्लाम में अलाउ नहीं है ह्यूमन और एनिमल फिगर्स बनाना। सो इट इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। अब इस्लाम में प्रोहिबिटेड होने के कारण यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखेगी, बट अगर देखा गया तो अब डिज़ाइंस जो थी वॉल पे वो चेंज हो जाएगी। उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। तो उसमें कैलीग्राफी आएगा, डेकोरेशन के लिए कैलीग्राफी का यूज़ किया जाता है। कैलीग्राफी यानी हम कहेंगे कि इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में देखा होगा लिखा हुआ, जस्ट मिनट में आपको दिखा देता हूँ ये सब स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने। यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ कैलीग्राफी वाला, या फिर यहाँ पे बहुत पास से नहीं दिख रहा है, ताजमहल पे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ दिखता है आपको, है ना। तो अरेबिक लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उसको कहते हैं कैलीग्राफी, यानी अब लिखने वाला यहाँ पर डिज़ाइन शुरू हो गया था। सो ये कुछ चेंजेस हमें देखने मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे चेंजेस हम यहाँ पे देखेंगे, बट फिलहाल इतने और भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फिर यही सब चीज़ों को अप्लाई करना है, ये जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही फिर होते रहेगा। ये कैलीग्राफी का यूज़ करेंगे। उसके अलावा स्पेशियस बहुत रहता है,
जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बहुत स्पेशियस रहेगा, वो बहुत मैसिव रहेगा. स्ट्रक्चर्स आर मैसिव स्पेशियस एंड उसकी ब्रेड भी बहुत बड़ी रहेगी. आपने देखे ही हैं स्ट्रक्चर्स बहुत ही बड़े और स्पेशियस और मैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये सब हमें देखने मिले. ये देखिए कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है. सो यहाँ पे ये भी हमें देखने मिलेगा. उसके साथ साथ यहाँ सिमेट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. अब सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री यानी अगर आप किसी शेप को बीच से कट करो तो दो इक्वल शेप्स मिल ले, उसे सिमेट्री कहते हैं, जैसे कि हमें पता है. अब आप इनके किसी भी स्ट्रक्चर को आप बीच से अगर कट करोगे, फॉर एग्जाम्पल इसको भी, सॉरी अगर इसको भी हम इस तरह से कट करते हैं बीच से, तो दो सेम स्ट्रक्चर मिलेंगे. या किसी भी स्ट्रक्चर को यहाँ से भी आप करोगे, ठीक है मैं बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा हूँ कंप्यूटर में, फिर भी यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसको सिमेट्री कहते हैं. तो इनके सभी स्ट्रक्चर्स में हमें सिमेट्री देखने मिलती है. और ज़्यादातर पानी का यूज़ करते हैं. आप चाहे ताजमहल पे जाओ या इनके किसी भी स्ट्रक्चर पे, तो आपको वहाँ पे वाटर टैंक्स दिखेंगे. तो वाटर का यूज़ काफ़ी करते हैं. जैसे हम अगर ताजमहल को देखें तो, या फिर हम यहाँ पे हुमायूं के टूम को देखें, तो भी हमें यहाँ वाटर दिखता है. तो वाटर में फाउंटेंस भी लगाए जा सकते हैं. वाटर का काफ़ी यूज़ करते थे. तो वाटर क्यों रहता था? तो वाटर इसीलिए तीन पर्पज़ के लिए वाटर यूज़ किया जाता था. एक होता है डेकोरेटिव, एक होता है कूलिंग, और तीसरा है रिलीजियस पर्पज़. यानी देखिए डेकोरेशन के लिए वाटर बहुत अच्छा दिखता है, वाटर टैंक्स. और जब ये इंडिया में आए थे ना, ये पता चला कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्म है, जिस कारण इन लोगों ने कूलिंग के लिए पानी के टैंक्स वहाँ पे रखने शुरू किए अपने स्ट्रक्चर्स के पास. और रिलीजियस पर्पज़, चाहे कोई भी रिलीजन हो, जैसे हम देखते हैं कि हिंदुइज्म में भी आपको पैर धो के ही, हाथ पैर धो के ही मंदिर में जाना चाहिए, वैसे इस्लाम में भी आपको हाथ पैर धो के ही अंदर जाना चाहिए. तो ये सब चीज़ें रिलीजियस पर्पज़ भी सॉल्व हो जाता है पानी होने के कारण. तो तीन चीज़ों के लिए वाटर का यहाँ पे यूज़ किया जाता था. सो ये एक और इनका फीचर बनता है. उसके अलावा और भी कुछ मेथड्स, जैसे कि हम कहते हैं अरबेस्क मेथड. अरबेस्क मेथड क्या होती है ये सबसे पहले जान लेते हैं. अरबेस्क मेथड में क्या किया जाता है? अरबेस्क मेथड में वेजिटेशन से रिलेटेड होता है. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस बनी है जो कि अरबेस्क मेथड से रिलेटेड है. ये डिजाइन में कैसे होता है कि कंटिन्यूअस कुछ स्टेम्स होते हैं. जैसे मैंने एक स्टेम बनाया, उससे ही दूसरा बनाया, यहां से तीसरा बनाया, यहां से चौथा बनाया, इस तरह से कंटिन्यूअस स्टेम्स होते हैं. और वेजिटेशन के रिलेटेड यहां पे हम कहेंगे कि ये बनाई जाती है डिजाइंस. यहां पे अगर चाहे तो लिप्स भी बना सकते हैं, जैसे यहां पे कुछ फ्लावर्स भी बनाए गए हैं. सो ये जो मेथड होती है इसको अरबेस्क मेथड कहा जाता है. सो लीफी होता है थोड़ा, तो ये मेथड यहाँ पे यूज़ होती है डिज़ाइन बनाने के लिए. डिज़ाइन के साथ साथ चार बाग स्टाइल की अगर बात करूँ, तो इनके स्ट्रक्चर्स के सामने ऐसे चार बाग रहा करती थी. चार यानी फोर और बाग यानी गार्डन, चार. और यहाँ से बीच से रास्ता, यहाँ वाटर टैंक भी हो सकती थी. जैसे कि आपको एक मैं दिखा दूँ, सो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं ये चार बाग स्टाइल को, 1, 2, 3, 4 बाग, और बीच से ये रास्ता, यहाँ वाटर भी आपको देखने मिल रहा है. तो इस तरह की चार बाग स्टाइल जो है ये भी इनके इसमें हमें देखने मिलती है. चार बाग के अलावा और भी मैं आपको कोई चीज़ें इसमें बताऊँ, सो हमें यहाँ पे तीसरा जाली वर्क देखने मिलता है. देखिए इनके जो विंडोज होती है इसमें इस तरह की जाली बनी हुई है, इसको जाली वर्क कहते हैं. यहाँ पे क्या है कि लाइट बहुत अच्छे से अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे जाली वर्क किया जाता है. तो ये जाली वर्क है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट को लेकर. और पीटरा ड्यूरा टेक्निक का यूज़ करते हैं. पीटरा ड्यूरा क्या होता है? पीटरा ड्यूरा एक और कंसेप्ट है. ये जो आपको डिज़ाइन दिख रही है, अब इस डिज़ाइन में ये क्या करेंगे, अगर मुझे कुछ स्टोन जो होते हैं, जैसे कोई प्रीशियस स्टोन है, प्रीशियस स्टोन का यूज़ करेंगे या फिर जेम्स का यूज़ करेंगे, जो अलग अलग कलर के स्टोन्स मिलते हैं, और वो डायरेक्टली इस डिज़ाइन में डाल देंगे, और इस कारण ये डिज़ाइन और भी अट्रैक्टिव लगने लगेंगे. वॉल के वॉल में डाल देते हैं, इसको कहते हैं ये पीटरा ड्यूरा टेक्निक. उसके बाद जो आता है वो है फोर शॉर्टनिंग टेक्निक. ठीक है, इस पुराने बुक्स में इसे फोर साइटिंग दिया था, तो इसे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो इसमें उन्होंने भी चेंज किया. तो फोर शॉर्टनिंग टेक्निक कहा जाता है. इसमें क्या होता है, ये बहुत यूनिक फीचर है. इसमें जो बिल्डिंग होती है, ये बिल्डिंग में ये फोर शॉर्टनिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं. इसमें जो इंस्क्रिप्शन लिखे है, अब यहाँ पे कोई इंस्क्रिप्शन, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, बहुत मैसिव बिल्डिंग होती है, ऊपर से लेके नीचे तक इंस्क्रिप्शन लिखे. अब ये ऊपर है तो आपसे काफ़ी दूर है, फिर भी ये जितना दूर है उतना नहीं दिखता, आपको क्लोजर लगता है. इसका मतलब फोर शॉर्टनिंग में ये लिख सकते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शंस अपीयर टू बी क्लोजर देन दे, क्लोजर देन दे आर, है ना, जितने दूर है उससे थोड़े पास में आपको दिखते हैं. इसको फोर शॉर्टनिंग टेक्निक, इसलिए आपको कितने भी दूर की चीज़ पास लगती है. अब ये लिखने का उनका तरीका है, या थोड़ा बड़े इसमें लिखते होंगे या छोटा छोटा करते जाते होंगे, ताकि आपको दूर का और नज़दीक भी दिखे. तो बड़ा बड़ा करेंगे तो नज़दीक दिखेगा, इसको फोर शॉर्टनिंग टेक्निक कहते हैं. सो इतनी सारी टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में. तो आने वाले जितने भी हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे उसमें आपको ये सब देखने मिलने वाली है टेक्निक्स. सो आपको ये टेक्निक्स कंटिन्यूअसली अभी देखने मिलने वाली, तो आपको यहाँ पे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है. दिल्ली सल्तनत जो है इसकी शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी की. स्लेव डायनेस्टी से शुरुआत होती है. स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर थे उनका नाम था, जहाँ से शुरुआत हुई वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक. तो दिल्ली सल्तनत में जब हम आते हैं तो 1206 से लेकर 1526 तक यहाँ पे रहता है. 1526 में जब लोधी थे, इब्राहिम लोधी, ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन विच बैटल,
इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन विच बैटल? यस, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. वेरी गुड. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी. आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत जो है ये खत्म हो जाता है और वहाँ पे उसके जगह पे आके आ जाता है मुगल एम्पायर. अब मुगल ये जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल वाला पार्ट, ये बहुत फास्ट कवर होता है आर्ट एंड कल्चर में, क्योंकि यहाँ पे सबकी स्टाइल सेम दिखती है लगभग. इसीलिए आपको अगर ये चीज़ें पता हो चुकी है, ये बेसिक चीज़ें यहाँ जो जो होने वाले फीचर्स, तो अभी सभी जगह आपको यही फीचर्स दिखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो तरह के स्टाइल्स आपको देखने मिलेगी, एक इंपीरियल स्टाइल, एक है प्रोविंशियल स्टाइल. इंपीरियल स्टाइल यानी जो दिल्ली के रूलर्स हैं उन्होंने जो स्टाइल यूज की थी वो, प्रोविंशियल स्टाइल यानी जो लोकल रूलर यूज करते थे वो स्टाइल. सो प्रोविंशियल और इंपीरियल स्टाइल दो तरह के स्टाइल यहां पे देखने मिलने वाली है. तो आइए सबसे पहले दिल्ली रूलर से शुरू करते हैं, इंपीरियल स्टाइल से शुरू करते हैं. इंपीरियल स्टाइल जो है, इसको इस फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, जस्ट अ मिनट, क्योंकि ये कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है. राइट, यस, अब दिख रहा है. इंपीरियल स्टाइल जो है यहाँ पे पहली जो डायनेस्टी है वो है स्लेव डायनेस्टी, जो कि होती है 1206 से 1290 तक. स्लेव डायनेस्टी जो है इट वाज स्टार्टेड या इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो हमें यह पता चलता है कि इस डायनेस्टी, इस स्टाइल को, यहाँ पे जो स्टाइल यूज करते थे इनको, इस डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता था, या फिर स्टाइल जो थी, ये जो स्टाइल है इसको मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है. मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत को, या फिर स्लेव डायनेस्टी को. उसके साथ साथ मोस्ट वर रिमॉडलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर जो भी थे उसको रिमॉडलिंग की गई स्लेव्स के द्वारा, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी ये नई नई डायनेस्टी जो थी जो सेटअप हुई थी और उनको अपना एक्सपेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी था. इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आर्किटेक्चर पर, बट उन्होंने जो भी चीज़ें थी उसको रिमॉडलिंग तो किया ही हिंदू स्ट्रक्चर्स को. उसके अलावा उन्होंने नंबर ऑफ जो मॉन्यूमेंट्स है उसको भी बनाना शुरू किया. They also built some number of, यानी certain number of monuments, not much, but उन्होंने काफ़ी limited से बनाए हैं. बाकी जो है हिंदू structure को उन्होंने remodel किया है. उसके अलावा कुतुब मीनार की को इन्होंने बनाया था. कुतुब मीनार को जब बनाया गया, तो कुतुब मीनार की अगर बात करें तो इट इज़ 5 स्टोरी. उसके साथ साथ ग्राउंड प्लान जो है वो ऐबक, ग्राउंड फ्लोर जो है वो ऐबक ने बनाया है. अब आगे के 3 फ्लोर जो है वो इल्तुतमिश ने बनाया और 5th फ्लोर तुगलक ने बनाया हुआ है. ओके, सो यहाँ पे हमें ये चीज़ें पता चलती है कि स्लेव डायनेस्टी में जो ये थे. अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था किसके याद में? खुद के नाम पे बनाया है. कुतुबुद्दीन नाम था इसलिए उसका नाम कुतुब मीनार दिया गया है, या किसी और के नाम पे? अच्छे से याद रखिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये नाम था उनके, जो सेंट था सूफी सेंट उनका नाम था ये. तो उनके नाम पे यहाँ पे कुतुब मीनार की उन्होंने बनाने की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बनाया था और 3 फ्लोर इल्तुतमिश बनाया, 5th फ्लोर तुगलक ने बनाया, और जो दरवाजा है जिसे अलाई दरवाजा कहते हैं वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इनके स्लेव डायनेस्टी के आर्किटेक्चर का कोवैतुल इस्लाम मॉस्क दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम जैन टेम्पल, ऐसा कहा जाता है. पहले वो जैन टेम्पल हुआ करता था और उसको बनाया गया कोवैतुल इस्लाम नाम का एक मस्जिद. सो यही है कि कुछ हिंदू स्ट्रक्चर्स का रिमॉडलिंग किया गया था, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. और 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पे बनाया गया. 2.5 दिन का झोपड़ा देख लेते हैं और कुतुब मीनार देख लेते हैं. दिस इज 2.5 दिन का झोपड़ा एंड दिस इज कुतुब मीनार. 1, 2, 3, 4, 5 5 स्टोरीड बिल्डिंग है. 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट जो ये ग्राउंड फ्लोर है ये बनाते हैं ऐबक, और 3 बनाते हैं इल्तुतमिश, यहाँ पे बनाया जाता है तुगलक द्वारा, और ये जो यहाँ पे दरवाजा दिखेगा आपको आगे दिखेगा ये बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने. और ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का एक रीजन मैं आपको बताता हूँ. तो इसे इसीलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है क्योंकि शायद इसके 2 रीजन्स हैं, ये साइंटिफिक यानी जो भी रीजन है हिस्टोरियन अब तक इसका मेन रीजन नहीं जान पाए, बट 2 रीजन यहाँ पे पता चलते हैं. शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान की जो जिंदगी है वो 2.5 दिन की है, इसलिए समझ जाइए 2.5 दिन का झोपड़ा. या फिर दूसरी बात यह है कि जब नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह चाहिए थी तो यहाँ के जो रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि मुझे अभी के अभी यानी एक क्या कहते हैं एकदम फास्ट में कोई एक स्ट्रक्चर बना के होना जहाँ पे कोई एक मॉस्क जैसा बना के होना जहाँ पे मैं हम लोग नमाज पढ़ सके, इसीलिए 2.5 दिन में ही एक तैयार बनाया गया था, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है. इसकी चीज़ें कुछ भी हो सकती है, ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कहा था कि 2.5 दिन में जल्द से जल्द बनाया जाए, तो ये 2.5 दिन में बनाया गया. बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी है, ये लोग हैं जो इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं इसके सामने. सो ये पता नहीं इसके मेन रीज़न क्या है, बट ये किसी किताबों में अभी तक लिखा नहीं गया है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड चीज़ है. अब हम देखते हैं खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी की अगर बात करें तो खिलजी डायनेस्टी किसने हुए एस्टेब्लिश्ड? खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के कौन थे जलालुद्दीन खिलजी? फादर इन लॉ भी थे और अंकल भी थे, दोनों थे. तो अलाउद्दीन खिलजी के वो चाचा भी थे और अलाउद्दीन खिलजी के वो फादर इन लॉ भी थे, दोनों थे, क्योंकि उनके ही बेटी से शादी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने. सो ये चीज़ें हैं. 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी चलती है. इट वाज फाउंडेड बाय खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खिलजी. इसको सेजलुक स्टाइल कहते हैं, जैसे उनको मामलुक स्टाइल कहते ना वैसे इनको सेजलुक स्टाइल कहते हैं. ये इनके लैंग्वेजेस में वर्ड्स यूज किए जाते हैं, हम तो इनको खिलजी डायनेस्टी कहते हैं, बट ये स्टाइल को सेजलुक स्टाइल कहा जाता है. बट स्टाइल
थोड़ी सी अलग है, बट पैटर्न फॉलो जो होगा वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ही फॉलो होता है ना। तो जैसे कि अभी किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मामलुक स्टाइल यहाँ पे सेजलुक स्टाइल, तो ये थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है। जैसे मामलुक स्टाइल में कहीं भी डोम यूज करते हुए नहीं दिखे, बट सेजलुक स्टाइल में यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ एक डोम दिख रहा है, ये डोम यहाँ से शुरू होती है आर्क्वेड स्टाइल, एग्जैक्टली वैसी की वैसी। आर्क्वेड स्टाइल में आर्चेस होते हैं, डोम होते हैं, हर चीज़ यूज की गई थी खिलजी डायनेस्टी के दौरान, इसीलिए इसको आर्क्वेड स्टाइल कहा गया है। आर्क्वेड स्टाइल की शुरुआत जो असली होती है वो होती है खिलजी डायनेस्टी से। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले टेम्पल्स के फ्लैट रूफ हुआ करते थे, बाद में जो थर्ड स्टेज था उसमें इसको शिखर मिले, या फिर थर्ड स्टेज दोनों साइड में थर्ड स्टेज में मिले, वैसे ही यहाँ पे मिला खिलजी डायनेस्टी में आर्क्वेड स्टाइल पूरी वैसी की वैसी। और यहाँ पे यूज ऑफ मॉर्टर बहुत ज़्यादा किया गया, यहाँ रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते थे, इसलिए रेड कलर की आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही है खिलजी डायनेस्टी की। सो ये चीजें हैं, और ये बनाया गया है अलाई दरवाजा, इट वाज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा वाज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये एक दरवाजा है जो कुतुब मीनार के बाहर आपको देखने मिलता है। सो कुतुब मीनार के बाहर का जो दरवाजा है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया हुआ है। सो ये चीज हो गई खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी के बाद अगली जो डायनेस्टी हम पढ़ते हैं वो आई तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में क्राइसिस पीरियड चल रहा था। जैसे कि मैं तुगलक पे प्रीवियस लेक्चर, पिछला ही लेक्चर मैंने डाला था मिडिवल में तुगलक में, उसमें मैंने ये भी बताया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो कितने खतरनाक से उन्होंने कुछ प्लानिंग्स किए थे, कितने अलग अलग पॉलिसीज लाई थी, जिसमें आपको दिखता है टैक्सेशन ऑफ दोआब, या फिर प्रपोज्ड खुरासन एक्सपेडिशन हो गया, या फिर कराची एक्सपेडिशन हो गया, ये सब जो चीज़ें आई थी। तो ये हो गया। उसके साथ साथ ये जो सैंडस्टोन यूज़ करते थे वो ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करते थे। जैसे कि पहले आपको देखने मिला वो सैंडस्टोन जो यूज़ करते थे वो रेड सैंडस्टोन यूज़ करते थे स्लेव डायनेस्टी में, यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन यूज़ किया जाता था। ये जो सैंडस्टोन आपको दिख रहा है ये ग्रे है। फोकस वॉज मोर ऑन स्ट्रेंथ एंड लेस ऑन डेकोरेशन। यहाँ डेकोरेशन नहीं, बहुत सिंपल बिल्डिंग दिख रही है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट ज़्यादा फोकस जो किया जा रहा है वो स्ट्रेंथ पे किया जा रहा है, क्योंकि इसके जो वॉल्स है ये स्लोपिंग वॉल्स बनाए गए हैं। स्लोपिंग वॉल्स बनाएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या स्ट्रक्चर बना दिया, स्लोपिंग वॉल। तो स्लोपिंग वॉल जहां के रहते हैं वो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, उसको जल्दी जल्दी टूटेगा नहीं। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वॉल्स को स्लोपिंग रखा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये जो स्लोपिंग वॉल वाला मेथड, इसको बैटर मेथड कहा जाता है। ये जो मेथड है ये बैटर मेथड है जहां पे स्लोपिंग वॉल्स है। उसके साथ साथ आर्चेस है, लिंटेल है, बोथ मेथड ऑफ एंट्रेंस यहां पे आपको देखने मिलती है काफी बार। यहां पे आप देखोगे तो इन्होंने ऐसा लिंटेल भी बना दिया और यहाँ पे ऐसे आर्च भी बना दिया, ठीक है। ये दोनों मिक्सचर उन्होंने किया था जो तुगलक थे। उन्होंने तुगलक के पास ज्यादा टाइम नहीं था कि वो कुछ कर पाए, तो उन्होंने ज्यादातर टूम बनाए, खुद का तुगलक का जो टूम होता है, मकबरा होता है खुद के, वो बनाए थे इन लोगों ने, और इसमें इन लोगों को दफनाया गया था। सो ये सब चीजें जो है उनका ज्यादातर ध्यान टूम बनाने पर ही रहा, क्योंकि वो ज्यादा कुछ बना नहीं पाए जस्ट बिकॉज ऑफ क्राइसिस पीरियड। क्राइसिस पीरियड के बाद तुगलक के बाद आते हैं बैटर सिस्टम। अगर आया ना बैटर मेथड तो याद रखिएगा तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो है आखिरी डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी, जिसको हम कहते हैं लोदी डायनेस्टी। तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी को के कुछ आर्किटेक्चर्स नहीं है, इसलिए हम ज़्यादातर वहाँ पे नहीं जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में लोदी डायनेस्टी को डायरेक्टली फॉलो किया जाता है। लोदी डायनेस्टी जो है इनके वक्त आर्किटेक्चर कंटिन्यू टू टेक बैक सीट। बैकसीट पे तो आर्किटेक्चर तुगलक के वक्त से ही जाना शुरू हुआ, बट लोधी के वक्त भी काफ़ी गया, क्योंकि इनके वक्त भी काफ़ी अटैक्स और काफ़ी सारे रिवोल्ट, काफ़ी सारे अपोजिशन ये चलते रहे। जैसे कि नोबल्स काफ़ी सारे इनके खिलाफ होते जा रहे थे और काफ़ी प्रॉब्लम्स इनके वक्त चल रही थी लोधी डायनेस्टी पे। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर पे ज़्यादा काम नहीं कर पाए, बट इन्होंने डबल डोम वाली चीज़ें बनाई। सबसे पहले इन्होंने सिर्फ अपने टूम बनाए, उसके अलावा ये कुछ बना नहीं पाया, और इन्होंने डबल डोम वाला कंसेप्ट लाया। डबल डोम कैसा होता है ये बता देता हूँ। पहले ऐसा एक डोम दिखता था, इसके अंदर की पूरी जो ये है वो पूरी खाली जगह होती थी। अब इन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए डोम की इसके अंदर एक और डोम डाल दिया ऐसा, और इसकी जो हाइट, इसकी जो ये है हाइट, ये थोड़ी कम हो जाती है, बट ये स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इनर एक डोम रखा है, ये जो होता है ये स्ट्रेंथ देता है और लोअर इनर हाइट को कम कर देता है ना। तो ये स्ट्रक्चर की जो इनर हाइट होगी ये कम हो जाएगी, ये मैंने बनाई, इसे मिटा देना चाहिए, बट ये यहाँ पे होगा। उसके अलावा लैविश डेकोरेशन ये लोग नहीं करते थे, और ये सपोर्टिंग बाय स्लोपिंग वरांडा, ये भी स्लोपिंग वरांडा बनाते थे। जो भी इनके कॉरिडोर से वो स्लोपिंग रखते थे ताकि और इसको स्ट्रेंथ मिले, और ऑक्टेगोनल शेप में बनाते थे। इनका जो ग्राउंड प्लान है वो ऑक्टेगोन में रहता था। ऑक्टेगोन अभी आपको पता है कैसा रहता है, ताज भी ऐसा ही बना है ऑक्टेगोन में। ताज को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे नीचे से, तो ताज ना ही गोल है, ना ही रेक्टेंगुलर है, ना ही स्क्वायर है, ताज है ये ऑक्टेगोनल शेप में, ताजमहल। सो ये चीज़ें हैं बिल्ट ऑन ऑक्टेगोनल शेप, ये भी ऑक्टेगोनल शेप में ही बनाते थे। लोधी गार्डन जो है और सिटी ऑफ आगरा जो है, जो लोधी गार्डन है, सिटी ऑफ आगरा है, सिकंदर लोधी ने ये दो चीजें बनाई थी। सिकंदर लोधी शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड ही डेवलप्ड दिस सिटी ऑफ आगरा। अगर आपको जैसे कि पता है, आज जो लेक्चर आने वाला है इसमें आपको ये सब चीजें पता चलने वाली है कि सिटी ऑफ आगरा सिकंदर लोधी ने किस तरह से, यानी उन्होंने डेवलप किया था, और उसके साथ साथ उन्होंने कैपिटल जो है वो शिफ्ट भी की थी। ये चीजें आज लेक्चर में आपको पता चलेगी। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आगरा जो है वो उन्होंने डेवलप किया है, और लोधी गार्डन भी बनाया है लोधी डायनेस्टी ने। उसके अलावा ये सिर्फ टूम बनाते हैं, खुद के मकबरे बनाते हैं।
तो ये चीजें हैं यहाँ पे। डबल डोम वाला जो अगर आता है कंसेप्ट, वो लोधी के वक्त आता है। बैटर वाला आता है तो वो तुगलक के वक्त आता है, और अगर सबसे पहले एडक्वेट स्टाइल आती है तो वो खिलजी के वक्त आती है। ये तीन चीजें अभी आपको यहाँ पता चल चुकी है।